हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आई एम मनीष, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। आज के इस वीडियो में डीसीएम टेस्ट सीरीज मेजर वन फिजिक्स पेपर टू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और सिर्फ एक ऑप्शन ही इसके करेक्ट है। चार ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन में देखो क्या लिखा है। इन द फिगर शोन अ लाइट कंटेनर इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स टू एस एच बाई वी। अ वेरी स्मॉल होल ऑफ एरिया एस इज मेड एट डेप्थ एच। वाटर ऑफ वॉल्यूम वी इज फिल्ड इन द कंटेनर। द फ्रिक्शन इज नॉट सफिशियंट टू कीप द कंटेनर एट रेस्ट। द एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर इनिशियली इज। ये कंटेनर के लिए क्या एक्सेलरेशन होगा हमें फाइंड करना है। देखो बच्चों, यहां पर जो वेलोसिटी होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh के इक्वल हम लोग लिख सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। अब अगर v वेलोसिटी से यहां से लिक्विड बाहर आ रहे तो इस पर एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और वो जो थ्रस्ट फोर्स होगा उसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं रो इंटू एरिया इंटू वी स्क्वायर। ये थ्रस्ट फोर्स लग जाएगा, और इस थ्रस्ट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये थ्रस्ट फोर्स मिल गया, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी हम लोग लिख सकते हैं। हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एम ए इक्वल्स टू रो इंटू एरिया इंटू वी स्क्वेयर माइनस म्यू एम जी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब मास के बदले यहां पर जो ए है ना, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को रो एस बाई एम वी स्क्वेयर 2gh हो जाएगा, और जब एम से आप डिवाइड करोगे तो यहां पर सिर्फ म्यू इंटू जी रह जाएगा। म्यू की वैल्यू गिवन है, पुट करेंगे। मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शन, जो वॉल्यूम है उसको एरिया इंटू लेंथ, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो चलो लिख के देखें। ए इज इक्वल्स टू रो एस इंटू जी एच। टोटल वॉल्यूम वी गिवन है तो हम लोग डायरेक्ट रो इंटू वी लिख देते हैं, ठीक है। माइनस म्यू की वैल्यू है एस एच बाय वी इंटू जी। अब ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा, 2s जी एच बाय वी माइनस एस जी एच बाय वी, यानी ये सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, एस जी एच बाय वी, और ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। एन इक्विलेटरल प्रिज्म इज मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। अ रे ऑफ लाइट ए बी इज इंसिडेंट एट 45 डिग्री एज सोन। 45 डिग्री पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रूट 2 गिवन है। द नेट डेविएशन इन द पाथ ऑफ द रे व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द प्रिज्म इज। नेट डेविएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखो बच्चों, हम लोग पहले स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं। वन इंटू साइन 45 डिग्री, यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, और साइन आर 1/√2 आएगा, और फिर ये √2 है, यानी आप लिख सकते हो साइन आर की वैल्यू 1/2, आर की वैल्यू 30 डिग्री। तो यहां से 30 डिग्री पर रे ऑफ लाइट इधर जाएगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा,
ये 60 डिग्री है। अब क्योंकि अपोजिट ये जो सरफेस है यहाँ पर, ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर का मतलब देखो जितने एंगल पर इंसिडेंट होगा, ये भी 30 डिग्री होगा ना, ये 60 डिग्री है, जितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ उतने ही एंगल पर लौट जाएगा, ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये 60 हो गया, ये 60, ये भी 60, इसका मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री, और जिस तरह से 45 डिग्री पर इंसिडेंट हुआ 30 डिग्री पर रिफ्रैक्ट हुआ था, या अंदर से बाहर जाएगा नॉर्मल से दूर, ये भी एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? एक तो डेविएशन यहाँ पर हुआ, एक डेविएशन यहाँ पर होगा और एक डेविएशन यहाँ होगा। हमें क्या चाहिए? नेट डेविएशन चाहिए। तो डेल्टा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, क्योंकि सब का सब डेविएशन देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हो रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, इसलिए सबको प्लस कर देंगे। यहां पर डेविएशन कितना होगा? 45 माइनस 30 यानी कि 15 डिग्री का। डेल्टा 2 की बात करें, ये इस तरफ जाना था और मिरर के कारण इधर बेंड हो गया, ये देखो 60 डिग्री है, तो इधर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का डेविएशन डेल्टा 2, और फिर से डेल्टा 3 यहाँ से, ये 15 डिग्री और, क्योंकि 45 है ना, तो 15 डिग्री और डेविएट हो गया। अब अगर आप इसको प्लस करोगे तो 150 डिग्री आ जाएगा, आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें लिखा है व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर आर, ये रेसिस्टर आर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है। इन द फॉलोइंग सर्किट अ वेरी लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, वेरी लॉन्ग टाइम यानी स्टेडी स्टेट आ गया बच्चों। ईच रेसिस्टर हैज रेसिस्टेंस ऑफ 2 मेगा ओम एंड ईच कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस 1 माइक्रो फेराड एंड इनिशियली अनचार्ज्ड। सिंपल से बात करते हैं बच्चों, स्टेडी स्टेट में यहां से करंट एक तो इस रास्ते से जाएगा, एक ऐसे जाएगा, ठीक है। अब इसको तो हटा दो, सिर्फ इस वाले पाथ को कंसिडर करो, ये इंडिविजुअल पाथ हो गया, ये दोनों पैरेलल में है और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है 3 वोल्ट का, रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस इक्वल है, तो यहां भी जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहां पर भी उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए, और दोनों हाफ हो जाएगा, 3 है तो यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस 3/2 होगा, और यहां भी 3/2, यहां भी 3/2, यहां भी 3/2, आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या लिखा है? थ्रेड इज टाइटली वाउंड ओवर अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एम विच लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन। ठीक है, देखो स्मूथ सरफेस है, फ्री एंड ऑफ द थ्रेड इज पुल्ड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, देन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर एट द शोन इंस्टेंट इज। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर हमें एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं क्योंकि स्मूथ सर्फेस है, सेंटर के अबाउट हम लोग टॉर्क लेते हैं, एम जी और नॉर्मल का टॉर्क 0 हो जाएगा, तो ये जो फोर्स है फोर्स का ही टॉर्क होगा, और हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आई एल्फा, एल्फा हमें फाइंड करना है, और आई को क्या लिख सकते हैं? एम आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है, तो ये 2 से ये आर स्क्वायर था ना, एक आर कैंसल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2F डिवाइडेड बाय एम इनटू आर, और ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, देखो इसमें क्या लिखा है? द वर्नियर ऑफ अ सर्कुलर स्केल इज डिवाइडेड इंटू 50 डिविजन्स विच कोइंसाइड्स विद 49 मेन स्केल डिविजन्स, ईच मेन स्केल डिविजन इज 0.5 डिग्री, द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज। ध्यान से समझना,
सर्कुलर स्केल पर 50 डिवीजन है और ये मेन स्केल के 49 डिवीजन के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि एक डिवीजन जो है, एक सर्कुलर स्केल डिवीजन, वो 49 बाय 50 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा। सर्कुलर स्केल डिवीजन है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखो, लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट होता है वन मेन स्केल रीडिंग माइनस वन सर्कुलर स्केल है तो सर्कुलर स्केल लिखेंगे, और वर्नियर स्केल है तो वर्नियर स्केल की रीडिंग लिखते हैं। तो वन मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है 0.5, ठीक है, और वन सर्कुलर स्केल डिवीजन किसके बराबर था, 49 बाय 50 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। तो 49 बाय 50 पहले उसको मेन स्केल डिवीजन में कन्वर्ट कर लिया, और एक डिवीजन जो है मेन स्केल डिवीजन वो 0.5 डिग्री के बराबर है। सॉल्व करके ये कितना आएगा, 1/50, यानी आप लिख सकते हो 0.5 डिग्री, या इसको 5/10 लिख दो, इंटू 1/50, ये आ जाएगा। अब 5 से 5 को कैंसिल कर देते हैं तो 1/100 डिग्री है। अब देखो जो ऑप्शंस दिया है वो मिनट्स में दिया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 60/100 मिनट्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0.6 आएगा, 0.6 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में क्या लिखा है, फिगर शोज एलिप्टिकल पाथ ए बी सी डी ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन एस सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एस ए इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ एलिप्स। एरिया ऑफ एलिप्स हम लोग क्या लिखते हैं, पाई ए बी, तो इसका एरिया क्या है, 1/4, ठीक है। विथ डी बी, ये जो डी बी है एज सेमी मेजर एक्सेस एंड सी ए एज सेमी माइनर एक्सेस, इफ टी वन इज द टाइम टेकन फॉर द प्लेनेट टू गो ओवर पाथ ए बी सी, यहां पर टाइम लगा टी वन एंड, ठीक है, ए बी सी, एंड टी टू फॉर पाथ टेकन ओवर सी डी ए, यहां से यहां तक के लिए टी टू है। तो हमें अब टी वन और टी टू के बीच रिलेशन बताना है, ध्यान देना बच्चों। अब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सिंपल सा लॉ ऑफ एरिया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है, तो टाइम जो होगा वो एरिया के रेशियो में होगा, ठीक है। टी टू और टी वन देखो, जब यहां से यहां तक आएगा तो टोटल इतना एरिया होगा, और पूरा एरिया अगर आप एलिप्स का ए मान लो, पाई ए बी को हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। पाई ए बी क्या होता है, ये अगर ये वाला लेंथ ए हो और ये वाला लेंथ बी हो तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, पाई ए बी, सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ और सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ। अभी हम लोग पूरे एरिया को ए से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो मान लो पूरा एरिया ए है, ये वाला जो एरिया है ये कितना होगा, ए बाई फोर, ये यहां से यहां तक का हाफ पार्ट का एरिया ए बाई टू, और ये वाला एरिया जो है वो ए बाई टू माइनस ए बाई फोर हो जाएगा क्या, ए बाई टू माइनस ए बाई फोर, ये समझ में आ रहा है। टोटल ए था, ठीक है, यहां पर ए बाई टू, यहां पर ए बाई टू, उसमें से ये ए बाई फोर है, तो ये ए बाई टू माइनस ए बाई फोर होगा, यानी इस वाले एरिया को हम लोग 3a बाई फोर लिख सकते हैं, ठीक है ना, 3 आ रहा है, 2 माइनस 1, इसको मिटा देते हैं, देखो क्या आएगा, a बाई टू माइनस a बाई फोर, तो ये a बाई फोर आ जाएगा। और इतने से एरिया की बात करें तो ये एरिया हो जाएगा a बाई टू प्लस a बाई फोर,
ये आ जाएगा 3a/4, ठीक है। अब जो टाइम होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के। यहां पर टाइम आ रहा है t1, यहां पर टाइम आ रहा है t2, तो हम लोग लिख सकते हैं t1/t2 इक्वल्स टू 3a/4 डिवाइडेड बाय a/4 यानी कि 3। ये किसके बराबर आ रहा है, 3 के। तो t1 को हम लोग 3, t2 लिख सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे के लिए देखो, एक पैराग्राफ दिया हुआ है यहां और दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, यहां पर रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एक बार आप क्वेश्चन देख लो, हमें क्या क्या फाइंड करना है, रेंज, सॉरी एक बार पेन ले लेना। देखो, एक तो हमें रेंज फाइंड करना है, दूसरा मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, और वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट यूएक्स, ये सारी चीजें हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे स्लाइड में जाते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वी नॉट। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से एक ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड टाइम आर रिलेटेड एज, प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड और टाइम वो ऐसे उसका एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोगों को रिलेशन लिखना है, वी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस टी, इसको लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, क्या वी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस, क्वेश्चन में लिखा है टी माइनस बी बाई ए स्क्वेयर, ऐसा लिखा है ना, बी बाई ए का स्क्वेयर इक्वल्स टू सी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। दूसरा स्लाइड करने पर ये मिट जाएगा, इसलिए इसको लिखा है ऐसे। चलो अब यहां से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ध्यान देना बच्चों। तो वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, ये इक्वेशन पहले से गिवन है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स स्क्वायर को हम लोग यू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स कॉम्पोनेंट तो बदलता है नहीं। वी वाई को u माइनस जी टी, ऐसा लिख सकते हैं क्या, y डायरेक्शन में v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, तो ये रिलेशन आ रहा है। अब देखो इससे इसको कंपेयर करने के लिए पहले इसको इधर ले आते हैं, वी स्क्वेयर माइनस यू वाई माइनस जी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वेयर। अब इसमें से g कॉमन ले लो या सब में g स्क्वेयर डिवाइड कर दो, है ना। तो यहां पर देखो, चलो अभी g कॉमन ले लेते हैं, जी स्क्वायर आएगा यहाँ टी। देखो टी पॉजिटिव या नेगेटिव, चलो मैं लिख करके आपको समझाता हूँ, अभी तो यू वाई ही रहने देते हैं इसको, है ना, यू वाई बाई जी माइनस टी का स्क्वायर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ए माइनस बी का स्क्वायर हो या बी माइनस ए का स्क्वायर, दोनों तो सेम ही रहेगा, इसका मतलब आप इसको टी माइनस यू वाई बाई जी का स्क्वायर जैसे ये लिखा है उस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, अब जी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, यहां पर आएगा वी स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, यहां पर ये टर्म आ जाएगा और इसको यू एक्स स्क्वायर बाई जी स्क्वायर ऐसा लिख देंगे। अब ध्यान देना, इसको मैं लिख रहा हूं टी माइनस यू वाई बाई जी, ये वाई सबस्क्रिप्ट में है ऐसे यू वाई बाई जी। अब आप इस इक्वेशन को दिए हुए इक्वेशन से कंपेयर कर लो, ये इक्वेशन पहले से क्वेश्चन में गिवन था, ये हम लोगों ने डिराइव किया। अब जरा आप इसका रिलेशन चेक करो, ए और जी दोनों इक्वल होंगे, फिर यू वाई किसके इक्वल होगा, बी के, और यू एक्स सी के इक्वल होगा,
ठीक है। अब हमें रेंज फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। रेंज की वैल्यू होती है 2ux uy/g। 2ux के बदले c लिखेंगे, uy b है और g के बदले a, ये रेंज मिल जाएगा। अगर हम लोग मैक्सिमम हाइट की बात करें तो ये हो जाएगा uy² / 2g। uy² का मतलब b² / 2a। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2uy/g। uy के बदले b लिखेंगे और g के बदले a, ठीक है। और भी कुछ एक टर्म था, तो रेंज मिल गया, हाइट मिल गया, टाइम मिल गया, और कुछ फाइंड करना था। वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ये रहा सी, ठीक है। तो आप, आपको समझ में आया क्या क्या आंसर है? सी है 2cb/a, b² / 2a, 2a/b। अब हम लोग चेक करते हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, उसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये हमें जरूरत पड़ेगी आगे, देख लो, ठीक है। अब मिटाते हैं। रेंज, रेंज में ये आया था, ओहो सॉरी, हाँ। अब देखो, अगर रेंज की बात करें बच्चों, रेंज ऐसा आ गया था और वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ये था, हाइट बी स्क्वेयर ये था और टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जरा चेक करें, फर्स्ट का आंसर आर इसमें लिखा है, इसमें लिखा है। सेकेंड का आंसर है एस, थर्ड का आंसर पी, थर्ड का आंसर क्यू और फोर्थ का पी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 8th क्वेश्चन में आते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8, जो रिजल्ट था हम लोग उसको लिख लेते हैं बच्चों। जी की वैल्यू ए के बराबर, यू वाई बी के बराबर और यू एक्स सी के बराबर था, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल पोजीशन में जो चेंज इन मोमेंटम होगा, एक्स डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, वाई डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा। पहले +2mv, +mvy था, बाद में -mvy हो जाएगा, वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जो डिफरेंस होगा -2mvy, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2m into vy, vy ये uy है और ये क्या हो जाएगा? 2mb, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर लिखा है स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये s जैसा आ जाएगा। हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट कहने का मतलब क्या है? इस जगह, यहां पर स्पीड क्या है? ux। यहां पर ये भी ux होगा, ये ux है, ये यू वाई है। हाफ डिस्टेंस पर देखो, ऊपर से जब अगर आप यहां से कंसीडर करोगे ना बच्चों, ऊपर से, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी बताओ? हाईएस्ट पॉइंट पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी। तो 0 से अब वो अगर कुछ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लो स्मॉल एच है, स्मॉल एच डिस्टेंस नीचे आएगा तो वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी √2gh हो जाएगी। और ये भी एच टोटल यहां से यहां तक 2h हो जाएगा। तो इस जगह वेलोसिटी, इसकी वैल्यू √2g/2h, और यहां पर जो वाई कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा? √2gh, यानी यू वाई का 1/√2 टाइम्स होगा, uy/√2। बस यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, uy/√2 दिख रहा है। अब आपको क्या करना है? यहां पर स्पीड फाइंड करनी है। ux² + uy² √2 का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो c² + b² / 2, यानी कि सेकंड का आंसर। हालांकि पहले से ही आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर जो है देखो थर्ड होगा, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट का क्यू एक ही में दिया है। लेकिन आप बारी बारी से हर एक ऑप्शन को चेक कर सकते हो। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी आपको टाइम ऑफ एसेंट फाइंड करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? b/a। अभी अभी टाइम ऑफ फ्लाइट 2b/a हम लोगों ने लिखा था, ठीक है। देखो थर्ड का p है ना, तो
अब फोर्थ का क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। इस पॉइंट पर दो कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी का, इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम हम लोग क्या लिख सकते हैं ये वाले कॉम्पोनेंट का एम इंटू वी यानी यू वाई इंटू आर। ठीक है, आर रेंज है, रेंज की वैल्यू हम लोगों ने पहले फाइंड किया था 2 ux uy by g और uy के बदले b, तो 2 mc mc b स्क्वायर, ये आ गया ना, सिंपल है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। ये तो सेवेंथ और एट्थ था बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर नाइन्थ और टेंथ, दो क्वेश्चन है, दोनों इस पैराग्राफ से रिलेटेड है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास एम आर टाइड विद अ स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग एंड केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। इनिशियली द स्ट्रिंग इज स्लैक, ठीक है देख रहे हो आप, स्ट्रिंग ये टाइट नहीं है, स्लैक है। दे आर गिवन वेलोसिटीज टू यू एंड यू इन द सेम डायरेक्शन, जैसे कि फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है। कलिजन बिटवीन द बॉल्स इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है ये दोनों जब टकराएंगे, अभी इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो कभी ना कभी तो टकराएगा, जब ये दोनों टकराएंगे तो क्योंकि मासेस इक्वल है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएगी, ये यू वेलोसिटी से और दूसरा वाला टू यू वेलोसिटी से आगे जाएगा। थोड़े टाइम के बाद फिर से स्ट्रिंग टाइट होगी और जिस वक्त स्ट्रिंग टाइट होगा उस वक्त दोनों पर इम्पल्स लगेगा और फाइनली दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलने लग जाएंगे। ये चीज क्लियर बना, पहले ये इससे टकराएगा, ये आया इससे टकराया, फिर ये आगे गया, लेकिन दोनों स्ट्रिंग से बंधे हैं तो थोड़े टाइम के बाद स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, फिर दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलने लग जाएंगे। तो अगर हम लोग अभी इनिशियल बात करें और सबसे लास्ट जब दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलने लग गए, है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, लेकिन जब दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलने लग गए क्या ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जैसा केस है? समझ पा रहे हो, जब दो ऑब्जेक्ट आके कोलाइड करता है दोनों एक साथ चलने लग जाते हैं, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की अगर हमें बात करनी हो तो हम लोग डायरेक्ट जो लॉस परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में होता है वही लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फाइनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। अभी अभी जो मैंने कहा बच्चों परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जैसा मानेंगे, लिखा क्या है इलास्टिक, देखो कहीं लिखा होगा परफेक्टली इलास्टिक, लेकिन सॉल्व कैसे कर रहे हैं, इन इलास्टिक क्यों कर रहे हैं ये समझ में आए ना, कोलिजन होगा इलास्टिक, बाद में स्ट्रिंग का इम्पल्सिव फोर्स लगेगा और फिर दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे, इसलिए फाइनली हम लोग दोनों का कॉमन वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हो बच्चों। ठीक है, हालांकि अभी जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिख दें, जो इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वन एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू यू वन माइनस यू टू का स्क्वायर, यह माइनस है। ठीक है, तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ये पूरा एम बाई टू होता है, हाफ एम बाई टू और ये यू स्क्वायर यानी एम यू स्क्वायर बाय फोर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी उसी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें लिखा व्हाट इज द इंपल्स जनरेटेड इन द स्ट्रिंग व्हेन इट बिकम्स टॉट आफ्टर कोलिजन। देखो पहले तो क्या हुआ, एक बार कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई, यानी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये 2u वेलोसिटी से और ये वाला ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चल रहा है, दोनों के बीच सेपरेशन बढ़ रहा है, पहला कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था। उसके बाद दोनों जब दूर जाएंगे और जब एक समय ये स्ट्रिंग फिर से टाइट हो जाएगा, अभी तो टाइट नहीं है, एक वक्त आएगा जब दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ने लग जाएगा और फिर स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, जब स्ट्रिंग टाइट हो गया उस वक्त इम्पल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो फिर कॉमन वेलोसिटी से चलने लग जाएंगे, मोमेंटम को कंजर्व करके हम लोग कॉमन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। टोटल मास कितना है 2m, ये फाइनल मोमेंटम होगा और इनिशियली 2mu plus mu सेम डायरेक्शन में है, m को कैंसिल कर देते हैं
3u by 2, common velocity हमें मिल गई। अब हमें क्या find करना है बच्चों, इसमें impulse find करना है। तो impulse क्या होता है, change in momentum के equal होता है। collision के बाद अगर हम लोग बात करें तो इसकी velocity क्या हो जाएगी after collision, ये u velocity से चल रहा होगा, ठीक है, u velocity से चल रहा था, ये 2u से, और जैसे ही string tight हुआ तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 3u by 2। तो अब हम लोग चेंज इन मोमेंटम लिख देते हैं, वही तो इम्पल्स होगा, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल लिख दें, तो 3mu by 2 माइनस mu, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, mu by 2 आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, mu by 2 ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन आ गया, सेक्शन बी, इसमें वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले यहां आते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विच अंडरगोज हॉरिजॉन्टल एसएचएम। एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर कॉइन रखा है और ये प्लेटफॉर्म एसएचएम में है, तो कॉइन भी उसके साथ एसएचएम में होगा अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो। देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विच अंडरगोज हॉरिजॉन्टल एसएचएम अबाउट अ मीन पोजिशन ओ, द कॉइन डज नॉट स्लिप ऑन द प्लेटफॉर्म, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कॉइन इज एफ। अगर हम लोग बात करें कॉइन की, ये प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर कॉइन रखा है, तो प्लेटफॉर्म इधर जा रहा है, कॉइन उसके साथ, फिर प्लेटफॉर्म इधर आया, कॉइन इसके साथ इधर आ गया, मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, कॉइन पर तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स ही होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो उसको हॉरिजॉन्टल एसएचएम में मूव करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और हम लोगों को पता है बच्चों कि एसएचएम में हमेशा जो नेट फोर्स होता है वो किधर होता है, मीन पोजिशन की तरफ होता है। तो पहला ऑप्शन क्या लिखा है, एफ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ, सॉरी अब ठीक है, तो पहला आंसर क्या होगा, एफ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ। सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट था, पहला ऑप्शन, सेकंड में लिखा एफ इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ व्हेन द कॉइन इज मूविंग अवे एंड अवे फ्रॉम ओ व्हेन द कॉइन मूव्स टुवर्ड्स। देखो बच्चों ऐसा तो होता नहीं है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट की बात करते तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होता है, यहाँ तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमेशा ओ के डायरेक्शन में होगा, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, इसमें क्या लिखा है, एफ इक्वल्स टू जीरो व्हेन द कॉइन एंड प्लेटफॉर्म कम्स टू रेस्ट मोमेंटरली एट एक्सट्रीम पोजिशन, एफ इक्वल्स टू जीरो, एक्सट्रीम पोजिशन पर डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होता है एम, और एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसा लिखते हैं। तो अगर आप एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे, ए की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और अगर एक्स जीरो है तभी ए जीरो होगा, और एक्स जीरो का मतलब मीन पोजिशन, तो एक्सट्रीम पोजिशन पर तो फोर्स जीरो होगा नहीं, कहाँ होगा, मीन पोजिशन पर। देखो तो आगे क्या लिखा है, एफ इज मैक्सिमम When the coin and platform come to rest momentarily at extreme position, दोनों एक ही ऑप्शन है क्या? अच्छा, ये यहां फोर्स जीरो लिखा था, यहां पर लिखा है एफ इज मैक्सिमम। तो देखो बच्चों, अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हुआ तो फोर्स भी तो मैक्सिमम हो जाएगा ना, फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द कॉइन एंड प्लेटफॉर्म कम टू रेस्ट मोमेंटरली एंड द एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ द हार एट द एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ द हार्मोनिक मोशन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, देखो इसमें क्या लिखा है, द लेंथ टेंशन डायमीटर एंड डेंसिटी ऑफ अ वायर बी आर डबल देन द करस्पॉन्डिंग क्वान्टिटी ऑफ अनदर स्ट्रेच्ड वायर ए। देन अब चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, वेलोसिटी और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ये सारे हमें
रिलेशन फाइंड करने हैं। देखो बच्चों, अगर कोई स्ट्रिंग दोनों एंड पर फिक्स्ड है, उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और स्पीड का फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखते हैं। स्पीड तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय म्यू, और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी होता है फंडामेंटल मोड में 1/12 स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय म्यू। ठीक है, अब इस टेंशन को हम लोग अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दें, और यहां पर भी म्यू को ए से डिवाइड कर दें, ठीक है, मतलब एक्चुअली ये कैसा बन जाएगा, टी बाय ए, और ये डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है ना, ये नहीं, डेंसिटी हो जाएगा। अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, फिर यहां पर देखो क्या क्या लिखा है, लेंथ को डबल कर रहे हैं, टेंशन को डबल कर रहे हैं, डायमीटर को डबल कर रहे हैं, डेंसिटी को डबल कर रहे हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज, तो फ्रीक्वेंसी की बात करने से पहले हम लोग स्पीड की बात करते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ स्पीड भी कहीं लिखा होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव, फिर वेलोसिटी ऑफ वेव भी, तो सेकेंड और फोर्थ के लिए स्पीड चाहिए और फर्स्ट और थर्ड में फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट लिखा है, चेक करते हैं, है ना। देखो बच्चों, अगर टेंशन को आप डबल कर दोगे, टेंशन डबल कर दिया और डायमीटर को डबल करने पर क्या हो जाएगा, एरिया 4 times हो जाएगा ना डायमीटर को डबल करने पर, डेंसिटी को भी डबल कर दे रहे, ये 2 से 2 कट गया, 4 अगर आप रूट के बाहर ले आओ तो V/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी जिस वायर के लिए टेंशन डेंसिटी डायमीटर लेंथ ये सब डबल था, यानी बी, उसके लिए वेलोसिटी हाफ रह जाएगी। अब देखो ये तो आ गया V/2, अगर हम लोग न्यू डैश की बात करें और ये भी डबल हो रहा है, तो 1/2 × 2L, और इसको हाफ था ना, हाफ को अलग कर लेते हैं डायरेक्ट, रूट टी बाय म्यू। ठीक है, अब ये हो जाएगा न्यू बाय 4, या आप लिख सकते हो न्यू इक्वल्स टू 4 times ऑफ न्यू डैश। ठीक है, अब ध्यान देना, न्यू डैश बी के लिए है, वी डैश बी के लिए है, वी और न्यू ये ए वायर ए के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन लिखा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 1/2√2 times दैट ऑफ ए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक्चुअली 1/4 times आया, पहला स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन गलत है। अब सेकंड में आते हैं, सेकंड में क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ वेव इन बी, वेलोसिटी ऑफ वेव इन बी ये तो हाफ होगा, इसमें लिखा 1/2 √2 times, ये भी गलत है। ठीक है, थर्ड में क्या लिखा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3/3 ऑफ बी। अगर हम लोग इसके 3/3 की बात करें, बी का 3/3, तो इसमें फ्रीक्वेंसी ये 4th harmonic होता है। ठीक है ना, 1st overtone का मतलब क्या हो गया, 2nd harmonic, 2nd overtone का मतलब 3rd harmonic, उसी तरीके से 3rd overtone 4th harmonic होगा, और 4th harmonic में 4 times हो जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, वो म्यू के बराबर है, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3/3 ऑफ बी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। फोर्थ में आए, द वेलोसिटी ऑफ वेव इन बी इज हाफ दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए, सही है, वेलोसिटी इन ए, देखो ध्यान देना, ए का हाफ है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, देखो इसमें क्या लिखा है, बाइक्रोमेटिक लाइट, यानी दो अलग अलग वेवलेंथ के लिए, ठीक है, बाइक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ λ1 and λ2 आर यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देन। अब कुछ ऑप्शंस दिया है, हमें चेक करना है। सबसे पहले देखो, अगर फ्रिंज विड्थ की बात करें बच्चों, फ्रिंज विड्थ ऐसा लिख सकते हैं, β = d λ/d, यानी कि बीटा जो है ये लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, इसके लिए जो बीटा होगा β2 लिख दें, β2/β1, ये क्या हो जाएगा 7/5, मल्टीप्लाई कर दो 5β2
इक्वल्स टू 7 बीटा 1 आएगा। अब चेक करते हैं पहला ऑप्शन क्या लिखा है, 14th ऑर्डर मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 विल कोइंसाइड विद 10th ऑर्डर मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2। एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम लोग डबल करके देखते हैं। डबल कर रहे हैं तो क्या आएगा, 10 बीटा 2 इक्वल्स टू 14 बीटा 1। तो देखो 14th ऑर्डर मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 विल कोइंसाइड विद 10th ऑर्डर मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2, ये सही लिखा है, ठीक है। उसके बाद 21 और 15 लिखा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आएगा, 15 बीटा 2 इक्वल्स टू 21 बीटा 1। इसका मतलब क्या है कि लैम्डा 1 का 21st मैक्सिमा और लैम्डा 2 का 15th मैक्सिमा एक साथ होगा, लेकिन यहां उल्टा लिखा है। देखो हमें लैम्डा 1 का 21st चाहिए, यहां क्या लिख दिया, लैम्डा 2 है ना, 21st ऑर्डर मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2 विल कोइंसाइड विद 15th ऑर्डर मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1, ये तो उल्टा लिख दिया, गलत हो गया ना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मिनिमा की, थर्ड और फोर्थ में मिनिमा है, बहुत सिंपल से बात करें बच्चों। पहला मिनिमा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद जो पहला मिनिमा होता है वो 0.5 बीटा पर होता है, दूसरा मिनिमा 1.5 बीटा पर, तीसरा 2.5 बीटा पर, यानी कि जो भी नंबर ऑफ मिनिमा है, आप कह लो फर्स्ट तो 0.5 लिखा, एक से 0.5 कम, सेकेंड 1.5 में आया 1.5 बीटा, तीसरे की बात करें 2.5 बीटा, इस तरह से अगर 10th मिनिमा है तो 9.5 बीटा हो जाएगा, 11th मिनिमा है 10.5 बीटा हो जाएगा, ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें क्या लिखा है, 11th ऑर्डर मिनिमा ऑफ लैम्डा 1 विल कोइंसाइड विद 8th ऑर्डर मिनिमा ऑफ लैम्डा 2, यानी यहां पर हम लोगों को क्या चाहिए, 10.5 और यहां पर 7.5, ठीक है। इसको आप 15/2 लिख सकते हो और इसको 21/2 लिख सकते हो। देखो यहां पर हमारे पास जो रिजल्ट आया था 2 से डिवाइड कर देते, ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, एक बार चेक करो तो 7.5 बीटा 2 इक्वल्स टू 10.5 बीटा 1। इसका मतलब 11th मिनिमा ऑफ लैम्डा 1 और 8th ऑर्डर मिनिमा ऑफ लैम्डा 2 दोनों कोइंसाइड करेंगे। आप इसको 2n-1/2 ऐसे करके भी लिख सकते हो, जो भी 2n-1 से हमें मिल जाता है ना मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, जो पाथ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्ट ही यहाँ से हो रहा है सॉल्व, तो हम लोग ऐसे ही आंसर करेंगे। फिर ऑप्शन नंबर 4 में आए बच्चों, फोर्थ में क्या लिखा है, थर्ड ऑर्डर मिनिमा, थर्ड ऑर्डर 2.5 और फोर्थ ऑर्डर 3.5, दोनों मिनिमा आ गया, ये कितना हो जाएगा 7/2 और ये 5/2। अगर हम लोग इसको हाफ कर दें, हाफ करके देखो तो 2.5, यानी थर्ड मिनिमा किसका, लैम्डा 2 का, थर्ड लैम्डा 2 का होना चाहिए और फोर्थ लैम्डा 1 का होना चाहिए, ये भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 और 3 करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें कैलकुलेशन तो करना ही पड़ता है। क्या लिखा है, अ फ्यूजन रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ कंबाइनिंग 4 प्रोटॉन्स इनटू एन अल्फा पार्टिकल, द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4.002603 यूनिट। तो ये दिया हुआ है देखो, मास अल्फा पार्टिकल का एंड दैट ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल का, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का, सबका मास गिवन है, ठीक है। तो अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी चाहिए डेल्टा एम सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी सबसे पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा है, इक्वेशन 4, ये पी प्रोटॉन के लिए है और यहाँ पर ये अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डज नॉट सेटिस्फाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो आ गए लेकिन इसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ आया, ठीक है,
नेगेटिव चार्ज नहीं है ना, तो टोटल यहां पर चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस फोर, और हीलियम न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है, प्लस टू। तो क्या ये बैलेंस्ड हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पर ये हीलियम है फोर और टू, तो अब प्लस टू और चार्ज हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, डज नॉट सेटिस्फाई, सही लिखा ना, सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब दूसरे में देखो क्या लिखा है, द करेक्ट रिएक्शन इक्वेशन मे बी। अब करेक्ट के लिए क्या है, यहां पर देखो 4 इंटू, ये मास तो बैलेंस हो ही रहा था, ठीक है, यहां पर चार्ज 4 इंटू 1 था, यहां 2 आ गया, अब 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, बैलेंस हो गया चार्ज। और ये तो एंटी न्यूट्रिनो है जो एनर्जी बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, न्यूट्रिनो है सॉरी, अगर बार लगा देते हैं ऐसे तो ये एंटी न्यूट्रिनो होता, अभी न्यूट्रिनो है। जनरली पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो एमिट होते हैं। खैर देखो बच्चों, तो इसमें लिखा है कि ये जो रिएक्शन लिखा है, वेयर बीटा प्लस इज पॉजिट्रॉन एंड न्यू इज न्यूट्रिनो, ये करेक्ट इक्वेशन हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। अब थर्ड में क्या लिखा है, लॉस ऑफ मास इन रिएक्शन। देखो बच्चों, लॉस इन मास के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको एक बार मिटा देते हैं, डेल्टा एम। यहां पर फोर प्रोटॉन होगा, फोर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन माइनस, अब मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस ये जो दिया है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा लिख देते हैं, मास ऑफ अल्फा, और फिर टू टाइम्स ऑफ मास ऑफ ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का मास दिया होगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का मास इक्वल होता है, ये लिख देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो यही आ जाएगा, यानी ये आंसर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ द मास डिफेक्ट इज, एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर, डेल्टा एम यहां से मिल जाएगा अगर यूनिट में, और उसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करके देखोगे, आंसर ये आ जाएगा, और ये आंसर भी करेक्ट होगा, यानी इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस करेक्ट है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस यहां है, ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है, फिर ऑप्शंस की बात करते हैं। देखो क्या लिखा है, इन द फिगर एस इज, सॉरी हाँ अब ठीक है, ध्यान देना क्या लिखा है बच्चों, इन द फिगर एस इज अ मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 500 नैनोमीटर, अ थिन लेंस ऑफ सर्कुलर शेप एंड फोकल लेंथ 0.10 मीटर इज कट इनटू टू आइडेंटिकल हाफ L1 एंड L2 बाय अ प्लेन पासिंग थ्रू अ डायमीटर, ऐसे करके काट दिया, ठीक है। द टू हाफ आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली अबाउट द सेंट्रल एक्सिस SO विथ अ गैप ऑफ 0.5 mm, द डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस फ्रॉम एस टू L1 एंड L2 इज 0.15 मीटर, वाइल दैट फ्रॉम L1 एंड L2 टू O, इसके बीच का डिस्टेंस क्या दिया है, 1.30 मीटर। द स्क्रीन एट O इज नॉर्मल टू SO, ये 90 डिग्री ये स्क्रीन है। तो क्वेश्चन में अभी इतना समझ में है, ऑप्शंस देखेंगे अगले स्लाइड में है, ठीक है। पहले हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन में क्या है, एक लेंस था, उसको दो पार्ट में काट के सेपरेट कर दिया, डिस्टेंस 0.5 है, यहां पर सोर्स है ये 0.15 मीटर और ये 1.3 मीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये मिलीमीटर है, 0.5 मिलीमीटर, और यहाँ स्क्रीन रखा है। अब जो ऑप्शन है एक बार देख लें, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन में क्या लिखा है,
इफ द थर्ड इंटेंसिटी मैक्सिमा ऑकर्ड एट पॉइंट ए, जो स्क्रीन पर पॉइंट ए दिया था, देन द डिस्टेंस ओ ए इज 1 मिलीमीटर और सब कुछ सेम यहां डिस्टेंस ऑफ। देखो ध्यान देना बच्चों, तो इसमें जो है ना, अगर हम लोग बात करें, यहां पर 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर और यहां पर 2 मिलीमीटर, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। फिर थर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, थर्ड में देखो क्या लिखा है, इफ द गैप बिटवीन L1 एंड L2 इज रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 0.5 मीटर, द डिस्टेंस OA डिक्रीजेस और इसमें रिमेन सेम। तो अब हम लोग फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। ये हमें चेक करना है कि ए पॉइंट जो है, ठीक है ना, ए पॉइंट स्क्रीन पर था, उसका डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है या 2 मिलीमीटर, और इसमें देखो क्या लिखा है, थर्ड मैक्सिमा, यानी थर्ड मैक्सिमा का डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। और फिर ये दोनों ऑप्शंस को भी चेक करेंगे कि ओ ए इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो भी, ठीक है। चलो देखो, ध्यान देना बच्चों, यहां पर हम लोग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसका फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है, 0.1, और ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ का 1.5 टाइम्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लेंस जो इसका इमेज बनाएगा, देखो ध्यान देना बच्चों, अगर फोकल लेंथ का 1.5 टाइम्स हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो इमेज जो बनता है वो डबल डिस्टेंस पर, यानी 3f पर बनेगा, मैग्निफिकेशन 2 हो जाएगा, प्लस होगा अगर वर्चुअल बन रहा है और माइनस होगा अगर रियल, यहां तो माइनस होता है। और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट, अब यहां अगर बात हो गई मैं बता दूं, अगर f बाई 2 डिस्टेंस पर भी आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तब भी मैग्निफिकेशन यहां पर 2 हो जाएगा, प्लस 2, और इस स्थिति में भी जो इमेज का साइज होगा डबल होगा, यहां भी इमेज का साइज डबल होगा। तो कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ का 1.5 टाइम्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस डबल हो जाएगा, यानी इसका ये इमेज यहां कहीं बना देगा और इसका इमेज यहां कहीं बनेगा। ये जो डिस्टेंस होगा यहां से कितनी दूरी पर होगा, 0.30 मीटर पे होगा, ठीक है। अब यहां से यहां तक 0.30 था, 1.30 है यहां से यहां तक, ये 0.3, तो ये वाला डिस्टेंस 1 मीटर ही रह जाएगा। यहां पर एक इमेज बना, यहां पर दूसरा इमेज बना, इस इमेज को S1 दूसरे को S2 नाम दे दे, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा ये टू सोर्स जैसा यहां बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। और इनके बीच का अगर हम लोग डिस्टेंस फाइंड करना चाहें, देखो पहले तो हमें क्या मिल गया, ये कैपिटल डी मिल गया, कैपिटल डी है 1 मीटर, लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें स्मॉल डी फाइंड करना है, यानी इन दोनों के बीच का सेपरेशन फाइंड करना है। देखो हम लोग ट्राइंगल, यहां पर दो ट्राइंगल यूज करते हैं, ध्यान देना, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड का जो रेशियो होगा वो ये डिस्टेंस और ये टोटल डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। देखो बच्चों, ये है 0.15 और यहां से यहां तक टोटल कितना हो जाएगा, 0.45, ये 30 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर, 45, यानी 15 का 3 टाइम्स है, तो इस डिस्टेंस का भी ये 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर यहां से यहां तक 0.5 था तो ये पूरा डिस्टेंस 1.5 हो जाएगा, स्मॉल डी भी हमें मिल गया, लैम्डा पता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, 3 बीटा फाइंड करना है थर्ड मैक्सिमा के लिए, तो 3 बीटा को हम लोग 3d लैम्डा बाय स्मॉल डी लिख देंगे, 3 × 1 × ये 5 नैनोमीटर है ना, 5 × 10⁻⁷ और d की वैल्यू 1.5 × 10⁻³, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, 10 और फिर 10⁻⁴, 1 मिलीमीटर। थर्ड मैक्सिमा कहाँ बनेगा, 1 मिलीमीटर पर। अब ऑप्शंस को देखते हैं बच्चों, देखो ध्यान देना, पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, इफ द थर्ड इंटेंसिटी मैक्सिमा ऑकर एट पॉइंट ए ऑन द स्क्रीन देन डिस्टेंस OA इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर, ये करेक्ट है, यहां पर 2 मिलीमीटर दिया है, ये इनकरेक्ट हो गया।
थर्ड और फोर्थ की अगर हम लोग बात करें, यहाँ क्या लिखा है, इफ द गैप बिटवीन L1 एंड L2 इज रिड्यूस्ड, अगर L1 और L2 को रिड्यूस करेंगे D भी कम हो जाएगा, ठीक है। और बीटा की बात करें, बीटा होता है D लैम्डा बाय स्मॉल D, जैसे ही D कम होगा बीटा बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू द डिस्टेंस OA डिक्रीजेस, OA का मतलब जहाँ थर्ड मैक्सिमा बन रहा था 3 बीटा, अगर बीटा इंक्रीज हो रहा है तो 3 बीटा भी इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और सब कुछ सेम यहाँ पे लिखा है, रिमेन सेम, रिमेन सेम भी नहीं रहेगा, इंक्रीज होगा, तो ये भी गलत। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन द गिवन फिगर। ये एक फिगर दिया है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर केप्ट परपेंडिकुलर टू द पेपर कैरिंग करंट इनवर्ड्स। तो यहां पर एक वायर ऐसे है जिसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ये एक दूसरा लूप है, इस लूप में करंट I2 है, इसमें करंट I1 है। अब हम लोग ऑप्शंस की बात करते हैं। देखो सबसे पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, नेट फोर्स ऑन द लूप इज 0, अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। और इसमें देखो ये जो ए बी ए है और ये वाला आर्क डी सी, उस पर तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग फोर्स क्या लिखते हैं, आई एल क्रॉस बी लिखते हैं। जब ये दोनों पैरेलल हो गए तो फोर्स लगेगा नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इस पे फोर्स नहीं, इस पे फोर्स नहीं। बचा क्या, ये एक स्ट्रेट पार्ट और ये वाला स्ट्रेट पार्ट, दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। एक छोटा सा सेक्शन ले लो, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इस वाले सेगमेंट पर, और यहाँ वैसा ही एक सेगमेंट ले, उस पर जो फोर्स लगेगा, इक्वल और अपोजिट, इसका मतलब ये एक कपल का फॉर्मेशन करेगा, नेट फोर्स 0 लेकिन नॉन जीरो टॉर्क। तो अब यहां पर पहला ऑप्शन लिखा है, देखो पहले में क्या लिखा है, नेट फोर्स ऑन द लूप इज 0, सही लिखा है, नेट फोर्स 0 होगा लेकिन नॉन जीरो टॉर्क होगा, इसमें लिखा है नेट टॉर्क ऑन द लूप इज 0, इनकरेक्ट है। थर्ड में क्या लिखा है, लूप विल रोटेट, फोर्थ में भी यही है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज व्हेन सीन फ्रॉम पॉइंट ओ। हम लोग चेक करते हैं यहां से, देखें बच्चों ओ की तरफ से फोर्स तो इस पर और इस पर लग रहा है ना, करंट का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसे हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है और करंट इसमें ऐसे, ध्यान देना। अब हम लोग आई एल क्रॉस बी की बात करते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप एल क्रॉस बी करोगे तो इस पर फोर्स इधर लगेगा आपकी तरफ, इसमें करंट का डायरेक्शन रिवर्स है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, एल क्रॉस बी करने पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी ऐसे घूमेगा। अगर हम लोग ओ पॉइंट से देख रहे हैं तो हमें ये क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखेगा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, या एंटी क्लॉकवाइज लिखा है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, 7 और 8 दो क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है, इन द सर्किट शोन सी इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेराड, रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3 ओम, एंड कनेक्टिंग वायर इज ऑफ नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, द सर्किट इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज ऑब्जर्व टू बी इंक्रीज एज VB - VA इक्वल्स टू V0 × 1 - e−t/τ, वेयर V0 and τ आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ये फिगर दिया है, पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्या सब है, फिर सॉल्व करेंगे। देखो पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग, दूसरे में लिखा है इंक्रीजिंग, रेट तो सेम लिखा है, ठीक है। थर्ड में क्या है, करंट, फोर्थ में भी करंट, तो हम लोग पहले करंट फाइंड करते हैं और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे। जो ये इंफॉर्मेशन है इसको लिख लें, और टॉर्क की वैल्यू गिवन है यही लिखते हैं, ठीक है बच्चों।
अगर चार्ज की बात करें, चार्ज हो जाएगा C इंटू वी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं सी वी नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाइम कांस्टेंट। ये चार्ज है, डिफरेंशिएट करने से करंट मिल जाएगा डी क्यू बाई डी टी। ये डी क्यू बाई डी टी लिखा है, डिफरेंशिएट कर दो, ये तो जीरो आ गया, यहाँ पर प्लस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और चेन रूल लगाएंगे वन बाई टाउ आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब टाउ की वैल्यू आप पुट कर दो, क्या है आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, यानी एक तो आंसर क्या आ जाएगा वी नॉट बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, या आप इसको आर सी लिख सकते हो, एक ही आंसर आ गया। दूसरा, अगर हम लोग टाउ को आर इंटू सी लिख रहे हैं तो 1 बाई आर को c बाई टाउ भी लिख सकते हैं, यानी ये v नॉट c बाई टाउ e टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। ये दोनों स्टेटमेंट, दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। आप अभी चेक करना बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 और 4 में करंट ऐसा लिखा है, यानी पहले हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 और 4, ठीक है, ये रिजल्ट है। एक तो v नॉट बाई आर और दूसरा v नॉट c बाई टाउ। चलो चेक करें, देखो v नॉट बाई आर लिखा है और v नॉट c बाई टाउ, यहां पर आप इसको rc के टर्म में भी लिख सकते हो और टाइम कांस्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों करेक्ट हैं। अब अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर 1 और 2 की, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए चेंज, जो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, दोनों का सेम लिखा है, एक में इंक्रीजिंग एक में डिक्रीजिंग। पहले हम लोग चेक करते हैं क्या यही रिजल्ट आ रहा है या कुछ और है। वापस चलो क्वेश्चन पे, देखो बच्चों ध्यान देना, अब यहाँ पर बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, रेसिस्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका रिजल्टेंट अगर हम लोग बात करें, वी आर और वी सी ये सब मिलके किसके बराबर होने चाहिए, वी नॉट मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप या सर्किट के ईएमएफ के बराबर होना चाहिए। अब आ जाते हैं ऑप्शंस पे, पहला और दूसरा ऑप्शन ये दोनों हम लोग चेक कर लें बच्चों। देखो अगर पोटेंशियल या ईएमएफ वी है, वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं डीबी बाई डीटी इनटू एरिया, एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, आर क्या है रेडियस है, तो यहां से आप डीबी बाई डीटी की वैल्यू क्या लिख सकते हो वी नॉट बाई पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो भी ऑप्शंस हैं उसमें 2 दिया है तो दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है, हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा 3rd और 4th आएगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या लिखा है, अ ट्रेवलिंग वेव पल्स इज गिवन बाय वाई इक्वल्स टू 6/2 प्लस एक्स प्लस 3t होल स्क्वायर, वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड। अब चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, बारी बारी से चेक करना है। सबसे पहले लिखा है पल्स इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, और इसमें भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अगर ये देखो एक्स माइनस वी टी लिखा होता इस फॉर्म में होता, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वी टी, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा होता, बट इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस वी टी। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और वी अगर आप कंपेयर करोगे तो वी की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में तो वेव ट्रेवल कर रहा है। थर्ड और फोर्थ की बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, थर्ड में लिखा है एम्पलीट्यूड इज 3 meter। अगर आप इस टर्म को, ये तो स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव नहीं, तो अगर आप इस टर्म को हम लोग मिनिमम कर देते हैं यानी 0, तब जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम y इज इक्वल्स टू 6/2 दैट इज 3 meter। तो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3b। फोर्थ में लिखा है द पल्स इज असिमेट्रिकल पल्स, आप एक्स के बदले यहां पर पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो। देखो ये जो इक्वेशन है, एक पर्टिकुलर टाइम ले लेते हैं t इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा
सिक्स ओवर टू प्लस एक्स स्क्वेयर। अभी क्योंकि ये स्क्वेयर है, एक्स को पॉजिटिव लिखो नेगेटिव लिखो सेम आएगा, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पल्स है वो सिमेट्रिकल होगा। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है। तो ये था बच्चों आज का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अगले एग्जाम के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ो, मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।